भीकनगांव में कोरोना संकट को देखते हुए इस बार घरों में ही इस पर्व को मनाया जा रहा है। ऐसे में आज हनुमान जयंती बहुत ही बढ़िया दिन आई है। उदया तिथि का मान लेते हुए सूर्योदय के बाद से पूरे दिन मंगलवार को राम भक्त हनुमान की जयंती मनाई गई। पुराणों के अनुसार महादेव शिव ने माता अंजना के गर्भ से रुद्रावतार हनुमान जी के रूप में जन्म लिया था, इसलिए अंजर और अमर माने जाने वाले हनुमान जी को प्रसन्न करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही शुभ दिन माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि इस दिन कुछ उपाय किए जाएं तो जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही रामायण और राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना भी शुभ माना गया है। इस शुभ दिन पर हनुमान जी की पूजा और पाठ करने से मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति भी आती है। भीकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।